क्लास चलोगी? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थर्टी मारे करियो जुमा दो। आगे सभी आगे। तो आज हम मैथ्स में क्या पढ़ेंगे? मैथ्स में आज हम स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर पढ़ेंगे। कल हमने कंपैरिजन ऑफ नंबर पढ़ा था। ये मुझे आते हैं। वेरी गुड। अभी पूछती हूँ मैं, टेंशन मत करो, अभी पूछूंगी मैं। ओके, कल हमने क्या पढ़ा था हर्षवर्धन? बताओ कल क्या पढ़ा हमने लास्ट क्लास में? क्या पढ़ा? स्मॉलेस्ट वाला और लार्जेस्ट वाला। कंपैरिजन ऑफ नंबर पढ़ा था ना? यस मैम। ओके, तो देखिए, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन द ईच रो। ये रो बनी हुई है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके ऐसे, ये क्या बनी हुई है? रो, ठीक है। तो इनमें से क्या करना है हमें, किसके ऊपर सर्कल करना है? स्मॉलेस्ट का मतलब होता है, स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा, तो जो ये नंबर है, ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 6, इन नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है उस पे हमें क्या करना है? सर्कल बनाना है। बाय देखते हैं हम, ये कितने हैं? 1 10 100, ये है 901 437 786 394 और 55। सबसे छोटा नंबर, स्मॉल नंबर कौन सा हुआ? 55। तो इस पे हम सर्कल बना देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे, सेकंड रो में आओ, 385 601 237 999 161 और 672। हाँ, तो हर्षवर्धन बताएगा कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इन नंबर में से? हर्षवर्धन, किसी से ना, नो हेल्प नहीं किसी की, मैं देख रही हूँ आपके पास में आपकी दीदी बैठी हुई है ना, है ना, वो ही बता रही है, मैं देख रही हूँ। हाँ, मैं समझती हूँ सब। अब बताओ आप पीछे कैसे मुड़े, पीछे क्यों मुड़े आप? आपको तुरंत बताना चाहिए था। चलो बताओ। 601। कितने? 601। सबसे छोटा नंबर, ध्यान से देखो, 161। वेरी गुड। किसने बताया? किसने बताया? गिनीज। किसने? मैम गिनीज। गिनीज, वेरी गुड बेटा, ठीक है। ये देखो 385, फिर है 601, फिर है 237,
फिर है 999, फिर है 161 और 672। तो इनमें सबसे छोटा नंबर तो ये हुआ ना 161, यही हुआ ना। Yes, फिर उससे बड़ा हुआ 237, फिर उससे बड़ा हुआ 385, फिर उससे बड़ा हुआ 601, फिर हुआ 672, फिर सबसे बड़ा हुआ 999। सबसे पहले आप कौन से प्लेस पे देखो, 100 प्लेस पे देखो सबसे पहले, ठीक है। 100 प्लेस पे या 3 है या 6 है या 2 है या 9 है या तो 100 प्लेस पे या 1 है, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर ये हुआ 161। ओके, तो हम किसके ऊपर सर्कल करें, 161 के ऊपर हमने सर्कल कर दिया। ओके, अब देखो 751 505 560 414 221 और 618। अब देखो इनमें देखो कि 100 प्लेस पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कौन सी डिजिट कौन सी है जो 100 221। ये देखो कैसे पहचानोगे, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। हमें क्या करना है कि जो 100 प्लेस पे देखना है कि कौन सी डिजिट है इनमें से सबसे छोटी है। तो देखिए इस पे देखो 100 प्लेस पे 7 है, इस पे 5 है, इस पे भी 5 है, इस पे 4 है, इस पे 2 है और इस पे 6 है। तो 100 प्लेस पे कौन किस पे है सबसे छोटे डिजिट, 221 सबसे छोटा 221। हेलो, ये हो गया। फिर है ये देखो, मैंने बताया ना आपको इसमें आ जाओ, इस रो में आ जाओ। ओके, अब देखो इस रो में क्या है, 100 प्लेस पे क्या है 382। वेरी गुड, लेकिन मैं यहाँ पे 100 प्लेस पे देख रहे हैं हम, मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, 3 राइट कर दिया मैंने। उसके बाद में ये कितने 100 प्लेस पे 700, फिर 838, फिर उसके बाद में 220, तो 2 है, फिर यहाँ 100 प्लेस पे 9 है और 971। तो अब इनमें से देखो 3 7 8 2 9 9 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, डिजिट कौन सा है सबसे छोटा, 2। तो इनमें सबसे छोटा ये आ गया ना 202, तो सबसे छोटा नंबर है 202। आ गया समझ में? Yes, ma'am. यहाँ पे नीचे आओ, 555। तो 100 प्लेस पे क्या है 139। 100 प्लेस पे क्या है 735। 100 प्लेस पे क्या है 741। 100 प्लेस पे क्या है 666। 100 प्लेस पे क्या है 6 2। 100 प्लेस पे क्या है 2। अब देखो इनमें से 517962 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 1। तो इनमें देखो 1 वाले कौन से न्यूमेरल है, ये है ना 139। समझ गए? Yes, ma'am. आया समझ में कुछ? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो ये तो हो गया इस पॉलिश नंबर।
अब हम इसी में से लार्जेस्ट नंबर सही। अब हम करेंगे लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा नंबर, मतलब होता है छोटा। लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा, समझ गए। अब हमें हमने पहले कौन से नंबर पे सर्कल बनाया था? स्मॉलेस्ट नंबर पे। और अब हम बनाएंगे लार्जेस्ट नंबर पे सर्कल बनाएंगे। तो देखिए, अब देखो ये नंबर है। अब देखो फर्स्ट रो में आ जाओ। अब हमें वो ही देखना है। 901 1 10 100। तो 901, ठीक है। तो ये क्या है? 900 प्लेस पे। फिर है 437। तो 100 प्लेस पे क्या है? 4। फिर है 1 10 100 प्लेस पे 7। तो 768, ये 7 है। 196 100 प्लेस पे क्या है? 1 1। 384 100 प्लेस पे क्या है? 3। और 55, तो ये तो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। इसमें तो 100 प्लेस है ही नहीं, तो इसको मत लिखो, ठीक है। इसमें 100 प्लेस है क्या? नो मैम, कांस्टेंस टू प्लेस दे रखी है यहाँ तो, ठीक है। तो आप देखो इनमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 9 4 7 1 3। सबसे नाइन। तो 9 की कौन सी है? 901 901। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 901 901। वेरी। फिर है इस पे आ जाओ आप आगे। अब मुझे बताए जाओ, अब इसमें बताओ 325 601 237। मैम मैं बताऊं क्या? 999 161 और 672। हर्षवर्धन बताऊं क्या? बताओ बेटा, इसमें लार्जेस्ट नंबर 999। वेरी गुड। देखो 100 पे इस पे 9 है यहाँ, और इनमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 6 है। तो सबसे बड़ा नंबर 999। इसके बाद में है 751 505 560 414 221 618। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 100 प्लेस से देखो पहले 751। सबसे पहले हमें 100 प्लेस पे जो नंबर है वो पता करना है कि छोटा है या बड़ा है, ठीक है। फिर है 382। ये कार्तिक 771। अच्छा कार्तिक। यस मैम। बेटा कैमरा ऑन करो अपना। अच्छा ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। आज आज तो आप फर्स्ट बार आए हो ना क्लास में, लाइव क्लास? यस मैम। तो आपको पीछे का तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ करवा दिया। अपनी क्लास कब से चल रही है पता है? आज से क्लास है। क्या हुआ? से ले रही थी क्लास है, ठीक है। फिर है 382 728 833 202
971 और 904। अब इनमें से मुझे आदित्य और पूजा बताएंगे कि सबसे बड़ा न्यूमिरल कौन सा है। सबसे बड़ा न्यूमिरल 700। अरे वाह, 700 कैसे हुआ? ये वाला, ये मुझे कार्तिक ही बताएगा। कार्तिक आप बताओ बेटा, इनमें से सबसे बड़ा न्यूमिरल, न्यूमिरल संख्या को बोलते हैं, ठीक है? सबसे बड़ा न्यूमिरल कौन सा है? नंबर कार्तिक बता रहा है क्या बेटा? देखो ये है 555, 139, 700, 35, 941, 666 और 238। इनमें से सबसे बड़ा नंबर 900 ज्यादा है। 941 किसने बताया? 600 सिक्स ज्यादा होते हैं। नाइन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? यस मैम। मम्मी 32% की चार्ज है। हेलो। अब हम पढ़ेंगे इंक्रीज ऑर्डर, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? इंक्रीज यानी नंबर में इंक्रीज होना, ठीक है? अब देखो, पहले आपने पढ़ा था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, पढ़ा था ना आपने? पहले पढ़ा था क्या? जवाब नहीं आ रहा किसी का भी? पहले क्लास में यस मैम। इंक्रीज यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीज नंबर, ठीक है? यानी असेंडिंग ऑर्डर। यानी अभी मान लो आप स्टेयर्स चढ़ते हो, तो पहले सबसे जो डाउन होती है, सबसे नीचे होती है, वहां पर रखते हो, फिर एक 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 बढ़ते जाते हो और लास्ट तक पहुंच जाते हो, तो वो क्या हुआ? इंक्रीज हो रहा है ना वो? क्या हुआ? वो स्टेयर्स इंक्रीज हो रही है ना? अपन ऊपर बढ़ते बढ़ते ऊपर पहुंच जाते हैं, तो समझ गए इंक्रीज का मतलब, ठीक है? बढ़ना, ठीक है? जैसे ये है, ये नंबर है आपको, ये न्यूमेरल दे रखी है, ओके? तो आपको इंक्रीज ऑर्डर में लिखना है इसको। किस में लिखना है? इंक्रीज ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए नंबर में, ओके? तो यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये क्या हुआ? इंक्रीज ऑर्डर, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है?
तो इनमें से आप देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। मैम 825 सबसे छोटा। 314 कॉमा उसके बाद में उससे बड़ा 314 से बड़ा कौन सा आएगा। अब इसको तो काट दो, हमने लिख दिया, इसको तो कट कर दो। इनमें से बताओ 412 उसके बाद में। अब इसको भी कर दो, क्रॉस कर दिया हमने इसको। फिर 611 इसको क्रॉस कर दिया। अब ये दो नंबर बचे 118 125। तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ, कौन सा ऑर्डर हुआ? असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, और वैसे इंक्रीज ऑर्डर भी बोल सकते हो आप, है ना। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। अब ये देखो, ये न्यूमेरल है, इसको भी हमें इंक्रीज ऑर्डर में यहाँ लिखना है, ठीक है, बढ़ते हुए नंबर में। यानी इंक्रीज ऑर्डर में कैसे लिखोगे, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। इन नंबर्स को देखिए, न्यूमेरल को देखो, सबसे छोटा इनमें सबसे छोटा कौन सा है। देखो ये भी 400 है, ये भी 400 है, ये भी 400 है, और ये भी 400 है। अब आपको पता है 993 सबसे छोटा नंबर। ये उल्टा कैसे बता रहा है हर्षवर्धन, ये सबसे बड़ा 29 सबसे छोटा नंबर आएगा पहले। 429 फिर उसके बाद में ये कट क्रॉस कर दिया, उसके बाद में 476 ठीक है। फिर है 476 उसके बाद में आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करो। फोर हंड्रेड एटी सेवन इसको कट कर दिया।
87 487 और लास्ट में क्या बचा 493 तो ठीक है बेटा आपको समझ में आ गया सभी को यस पोलिश नंबर लार्जेस्ट नंबर और इंक्रीज ऑर्डर ये सब करना है आपको ओके कल फिर हम आगे पढ़ेंगे ठीक है गुड मॉर्निंग मैम थैंक यू गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मैम